हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमलविष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे आर्मी जीडी का सैंपल पेपर कराऊंगा दोस्तों, मैथमेटिक्स के, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्मी जीडी सैंपल पेपर की, जिसमें यहाँ पे मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं, जिनके मैक्सिमम आने की संभावना रहती है। और इन क्वेश्चनों को समझकर आप इस तरीके के सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, और इनमें यूज़ होने वाली ट्रिक और फॉर्मूले अदर क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चनों को। हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है हमें, वो हमारा एक अनुपात से रिलेटेड है। मनोज व ललित एक काम पर क्रमशः 54,000 और 25,500 रुपया निवेश करते हैं। यदि उनको 21,200 रुपये का लाभ होता है तो मनोज को कितना मिलेगा? देखिए, कोई भी एक बिजनेस होगा या फिर कोई दुकान जो भी है, वहाँ पर उन्होंने रुपया निवेश किया वहाँ पे, और बाद में उनको 21,200 रुपये का कुल लाभ हुआ। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर मनोज को कितना मिला उसमें से। अब देखिए, जैसे उन्होंने रुपये लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर प्रॉफिट भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर मनोज ने ज़्यादा रुपये लगाए हैं और ललित ने कम रुपये लगाए हैं, तो मनोज को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और इसको कम मिलेगा। तो कितना मिलेगा वो हमें बताना है। देखिए, इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इन दोनों में आप अनुपात निकाल लेंगे। 54,000 अनुपात निकालेंगे आप किसके साथ, जितने भी उन्होंने रुपए लगाए होंगे उन दोनों का अनुपात निकालेंगे, 25,500। अब देखिए, जब आप इनको अनुपात निकालते, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अनुपात मतलब ये कटेंगे आपस में, जैसे यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गए, और इसको आप फिर से यहाँ पर नंबर को काटेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली आपको यहाँ पर सिम्प्लीफाई करके यहाँ पर आता है 36:17। तो 36:17 यहाँ पर आ गया, इनको आपने जब काटा तो ये इन दोनों का क्या हो गया, इन दोनों ने जितना भी रुपया निवेश किया था उसमें अनुपात आ गया, निवेश में अनुपात। आप इसको निकालेंगे सबसे पहले, निवेश अनुपात। अब क्या करेंगे आप, अब जो भी आपको जिसका भी प्रॉफिट निकालना है, यहाँ पर आपको मनोज का निकालना है, मनोज पहले है, ये भी ध्यान देना आपको, मनोज पहले है और ललित बाद में है, इसलिए मनोज का अनुपात जो है यहाँ पर 36 और ललित का 17। तो देखिए, अब मनोज का निकालना है तो आपको, तो आप ऊपर मनोज वाले को रखेंगे यहाँ पे, देखिए मनोज का ऊपर रखेंगे 36, क्योंकि आपको मनोज निकालना है, तो मनोज का आपको ऊपर रखना है और अपॉन में टोटल कर देना है, कोल कर देना, जो भी इनका यहाँ पर अनुपातों का योग आएगा, कुल मतलब 36 प्लस 17, यहाँ पर कुल योग आएगा अनुपातों का, ये ध्यान देना आपको, ऊपर केवल मनोज का अनुपात आएगा, नीचे कुल अनुपातों का योग आएगा, और गुणा यहाँ पर कुल जो भी यहाँ पे लाभ हुआ है या फिर कुल आमदनी हुई है। तो आमदनी कितनी हुई है इनको, 21,200 रुपया। अब देखिए, इसको यहाँ पर सही तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ पे 36 अपॉन इनको जब आपने ऐड किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पर 53 मिल गया, देखिए, इनटू यहाँ पर 21,200 ये आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे इनको गुणा करके, इनको जब आप यहाँ पे भाग देकर ये सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है 14,400 रुपया। तो यहाँ पर 14,400 रुपया किसका आ गया, मनोज का प्रॉफिट, यहाँ पे जो मनोज को यहाँ पे मिलेगा हिस्सा वो आपका आ गया, यहाँ पे मनोज का हिस्सा 14,400 रुपया, और जो बचा वो किसका होगा, वो अब ललित का होगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, हो सकता है आपसे पूछ लिया गया हो कि बताइए ललित को वहां पे कितना हिस्सा मिलेगा, तो उस केस में आप क्या करते, यहाँ पे आप जहां पे आपने मनोज को रखा वहां पर आप ललित को रखते, ललित का अनुपात 17 है तो ऊपर 17 आ जाता, और नीचे कुल अनुपात, नीचे तो दोनों केसों में सेम आएगा कुल अनुपात, लेकिन ऊपर चेंज हो जाएगा, मनोज का आएगा, मनोज का निकालना है तो मनोज का अनुपात आएगा, और यदि ललित का निकालना है तो ललित का अनुपात आएगा, और गुणा यहाँ भी कुल दोनों के इसमें वही आएगा, कुल भाग लाभ जो भी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इजीली आंसर निकल जाएगा, लेकिन जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हमें यही पूछा गया, और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन हमारे यहाँ पैरामीटर से रिलेटेड है, एक परिधि से रिलेटेड है। एक त्रिकोण की परिधि 600 है, 600 मीटर है, अगर इसकी भुजाओं का अनुपात
12 अनुपात 13 अनुपात 15 हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए आपको क्या दिया है, त्रिकोण का अनुपात। त्रिकोण मतलब हमारा एक त्रिभुज होता है, देखिए जिसमें तीन कोण बनते हैं, हमारा त्रिभुज हो गया, ये मान लीजिए आपने लिया। और इसका जो पैरामीटर यहाँ पर दिया हमें परिधि दी है, परिधि मतलब पैरामीटर जो चारों ओर की माप होती है, अर्थात यहाँ पर ये इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो यहाँ पर परिधि का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग कितना दिया हमें 600 मीटर दिया है। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, अनुपात दिया है, देखिए अनुपात 12 13 और 15। अब देखिए जब भी आपको अनुपात दिया रहता है तो एग्जैक्ट उसका वो मान नहीं होता है, जैसे यहाँ पर हमें 12 दिया है तो आप भुजा पहली भुजा को, यदि आप ए को मानते हैं पहली भुजा, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर अनुपात दिया वो 12 है, लेकिन ये एग्जैक्ट आपका यहाँ पर भुजा 12 होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपका अनुपात में दिया है। अनुपात में कब आता है, जैसे हमने ऊपर अभी देखा, अनुपात में हम जब काट फीट के फाइनली यहाँ पर जब हमारा आंसर मिलता है उसको हम रखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया है 6 और 12 दिया है, यहाँ पर 6 अनुपात 12 दिया है, तो आप इसको काटेंगे पहले, उसके बाद आपको मिलेगा 1:2, तो आप इसको यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगती अनुपात से। इसीलिए आप क्या करेंगे, इन भुजाओं को आप जो भी आपको यहाँ पर दिए इनके पीछे एक वेरिएबल लगा देंगे, वेरिएबल से गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला आपको बार दिया है, तो पहली भुजा को आप मान लीजिए, पहली भुजा को ए इक्वल टू बार एक्स, जब भी आपको अनुपात में दिया होगा पीछे एक वेरिएबल का गुणा कर देंगे आप, तो ए इक्वल टू बार एक्स आ गया, बी इक्वल टू 13x आ गया और सी इक्वल टू 15x आ गया। अब देखिए, अब आप इसमें रख दीजिए जो आपने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में निकाली थी, ए प्लस बी प्लस सी, 12x प्लस 13x प्लस 15x बराबर 600। अब इनको जोड़ देंगे आप, देखिए 12 और 13 कितना हो गया, 25 हो गया, और इसमें 15 जोड़ा तो आपने 40 हो गया, तो 40x बराबर 600 हो गया। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल गया, x बराबर देखिए 600/40 बराबर 15 आ गया यहाँ पर, देखिए तो x का मान यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 15 मिल गया, 15 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि सबसे बड़ी भुजा, अब सबसे बड़ी भुजा वही होगी जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा। अब सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है हमारा, 15 है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी बड़ी भुजा हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा हमारी यहाँ पर 15x हो जाएगी, जो सी वाली भुजा सी है वो हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। और हम यहाँ पर निकाल लेंगे 15x बराबर 15 × 15, और हमें पता है 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा की माप आ गई और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस तरीके से। और यहीं पर आपको तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है इसमें पूछ लिया गया हो, बताइए कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी, बताइए सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, या बताइए सबसे छोटी और बड़ी के बीच की जो भुजा है हमारी वो क्या होगी। तो आप इस तरीके से ए बी सी को निकाल लेंगे आराम से एक्स का मान निकालने के बाद। तो ये ध्यान देना आपको अनुपात वालों में, कि जब भी अनुपात में आपको क्वेश्चन दिया हो उसके पीछे एक वेरिएबल का गुणा कर देंगे आप, क्योंकि वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एलसीएम से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा ये, वो संख्या कितनी होगी यदि उसमें 6 जोड़ दिया जाए तो वो 27, 36, 63 व 108 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना है क्या कह रहा है, यहाँ पर कहता है कि वो कौन सी संख्या होगी जिसमें हम यदि 6 जोड़ दें तो यहाँ पर जो हमारी 4 संख्याएं हैं उनसे पूरी तरह से विभाज्य हो जाए वो संख्या। तो देखिए ऐसी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन चारों से विभाज्य होने वाली संख्या को निकालना पड़ेगा और उसमें से आप 6 को घटा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो संख्या क्या होगी जिसमें 6 जोड़ने पर इन चारों संख्याओं से वो विभाज्य हो जाए। देखिए एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है, जब भी आपसे ये कहा गया कि कुछ संख्याएं आपको दे दी गई हों, जैसे यहाँ पर 4 संख्याएं दी हैं या 3 संख्याएं दी हों या 2 दी हों, और ये कहा गया हो कि बताइए इन सभी संख्याओं से कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसमें पूरी बार भाग जाएगा, या वो संख्या क्या होगी जो इन सभी से पूर्णतया विभाज्य होगी, तो ऐसी संख्या हमारी हमेशा जो विभाज्य होती है उन नंबरों से, उन संख्याओं से, किन संख्याओं से यहाँ पर दिया हमें 27 और 36 यहाँ पर और 63 और 108, तो ऐसी संख्या हमारी जो होगी इनकी जो है एलसीएम होगी कभी भी, हमें मतलब ये ध्यान देना हमेशा कि इन संख्याओं का एलसीएम ही ऐसा होता है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य होता है।
तो ये निकालना आपको। देखिए यदि आप यहाँ पे निकाल दें एलसीएम निकाल दें सभी का और उसके बाद उसमें से 6 को घटा दें तो आपको पता लग जाएगा कि 6 जोड़ने पर कौन सी संख्या ऐसी होगी जो पूरी बार इनसे विभाज्य हो जाए। तो अब इनका आपको एलसीएम निकालना है, सबसे पहला काम आपका है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे वही हम यहाँ पर फैक्टर वाले मेथड लेंगे। जितने भी आपको नंबर दिए उनको आप यहाँ पर लिख लीजिए 27, 36, 63 और 108। अब यहाँ पर देखिए किस संख्या से यहाँ पर भाग जा रहा है, छोटी से छोटी संख्या देखेंगे आप, 3 से जा रहा है, देखिए 3 से जा रहा है, इसमें 9 बार, इसमें जा रहा है 12, इसमें जा रहा है 21 और इसमें जा रहा है 36। अब फिर से यहाँ पर 3 से जा रहा है, देखिए 3 तिया 9 हो गया, 3 से को 12 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया और 12 तिया 37 हो गया। फिर से 3 से यहाँ पर 2-3 एक संख्याओं में जा रहा है जिनमें भी जा रहा है 3 से डाल लीजिए, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर फिर से 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सभी को आपको 1-1 करना है, जो आपका टारगेट होता है सभी को 1-1 करना होता है, जिनमें भी जा रहा है उनमें आप डाल देंगे और जिनमें भाग नहीं जा रहा है उनको वैसे ही एज इट इज उतार देंगे। जैसे यहाँ पे 3 में जा रहा था, 4 में नहीं जा रहा तो आपने 4 को वैसे ही उतार दिया, 7 में भी नहीं जा रहा तो 7 को वैसे ही उतार दिया और 12 में जा रहा था तो 12 की जगह पर आपने 4 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा एक नंबर तो हो गया और हमको करना है 4 से हम डिवाइड करेंगे 1, ये 1 हो जाएगा, ये 7 का 7 ही उतर जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब फाइनली हमारा यहाँ पर 7 बचा, 7 से 1111, तो ये हमारे यहाँ पे पूरा हो गया जहाँ पर सभी 1 हो जाएंगे। और जो ये हमारे यहाँ पर नंबर आए हैं इन सभी को जब आप गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या होता है एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, जितने भी यहाँ पर हमारे नंबर हैं उनका एलसीएम लॉस ऑफ आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पर देखिए 3 बार आ रहा है तो 3 का क्यूब लिख देंगे हम डायरेक्ट इसको, 3 का क्यूब गुणा 4 गुणा 7, 4 गुणा 7 अर्थात यहाँ पे 27 गुणा 4 गुणा 7। तो देखिए इनको गुणा करने पर हमारा क्या आता है 756 यहाँ पर आता है हमारा। लेकिन हमें निकालना क्या था कि ऐसी संख्या क्या होगी जिसमें 6 जोड़ने पर इन सभी से पूरी बार भाग चला जाए, अर्थात ये तो हमारा पूरी बार भाग जा रहा है लेकिन हमें वो संख्या निकालनी है जिसमें 6 जोड़ना है हमें अभी। तो वो संख्या हमारी क्या होगी, देखिए माना आपने उस संख्या को x मान लिया, उसमें 6 जोड़ने पर क्या हो जाए वो 756 हो जाए। 756 का क्या मतलब हुआ कि पूरी बार उसमें इन नंबरों से भाग चला जाए और ऐसा नंबर हमारा यहाँ पर 756 है। 756 में देखिए इन सभी का पूरी बार भाग जाएगा, यही हमारा एलसीएम का मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो भी हमने यहाँ पर नंबर माना रखा है 756 माइनस 6 अर्थात 750 यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 750 हो जाएगी जिसमें यदि हम 6 जोड़ें तो वो 756 हो जाएगी और उसमें इन सभी संख्याओं का पूरी बार भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको जब दिया हो तो आप सबसे पहला काम वही करेंगे, जब भी आपको विभाज्य वाला दिया हो एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पर यदि ये कहा गया हो कि जोड़ने पर तो आप उसमें से उतना घटा देंगे और यदि घटाने पर कहा है तो उतना जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारा बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा चिन्हों से रिलेटेड, 1/2 भागा 1/2 और गुणा 1/4। देखिए जो हमारा वर्ड मास होता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले भाग को करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम आपका होगा भाग को आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 भागा 1/2 है, हम भाग कर दें दोनों सेम संख्याओं का तो हमें हमेशा रिजल्ट वहाँ पर 1 मिलता है। आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपका 100/100 है तो उसका भी एक ही आएगा, यदि आपका यहाँ पर 100 से बड़ा 1000/1000 है तो उसका भी एक ही आएगा। तो कितनी ही बड़ी संख्या हो या कितनी छोटी हो सेम संख्याएं भाग देने पर क्या आती हैं, वहाँ पर एक ही आ जाती हैं। तो देखिए 1/2 भागा 1/2 हमारा 1 आ जाएगा और गुणा 1/4 अर्थात 1/4 आ गया यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप इस तरह के क्वेश्चनों को उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके थैंक्स।